वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th बिहार बोर्ड के 100 मार्क्स हिंदी के दिगंत पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर का टाइटल या शीर्षक है पद, जो कि सूरदास के द्वारा रचित है। इस चैप्टर में सूरदास के द्वारा रचित दो पद दिए गए हैं, जिसमें बालक कृष्ण के बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर और मनोरम चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करने से पहले कवि सूरदास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लें, जो कि आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सूरदास के जन्म, जन्मस्थान और मृत्यु की तिथियों के बारे में विद्वानों में काफी मतभेद है, अर्थात कोई भी कंफर्म एक डेट नहीं है। इनके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इनकी जन्मतिथि, इनकी मृत्यु तिथि और इनके जन्म स्थान के बारे में बताया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड बुक इनका जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में माना जाता है और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में मानी जाती है। इनका निवास स्थान क्रमशः गौघाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम था। इनके गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, जो शुद्धाद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक, प्रसिद्ध दार्शनिक, आचार्य एवं संत थे। अनुमानतः 1509 से 10 ईस्वी में इन्होंने महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की और भगवत लीलाओं का वर्णन अपने काव्यों में किया। सूरदास हिंदी की मध्यकालीन शगुन भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवियों में से महानतम कवि हैं। वे वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्गीय भक्ति में अष्ट छाप के उत्कृष्ट कवियों में श्रेष्ठतम माने जाते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे या बड़े होने पर इनकी दोनों आंखें चली गई, इस विषय में कई प्रकार की किंवदंतियां और कथाएं प्रचलित हैं। इनकी काव्य की भाषा ब्रजभाषा है। इनकी प्रमुख रचनाओं में सुरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सुरसारावली आदि काफी लोकप्रिय हैं। सुरसागर इनकी प्रसिद्धतम रचना है, जो कि इन्हें विश्व प्रसिद्धि दिलाई और इस प्रमुख रचना का आधार है श्रीमद् भागवत गीता, जिसके द्वादश स्कंद से यह बाल गीत और बाल लीलाओं का वर्णन इन्होंने किया है। यह गेय पदों की विशाल संग्रह है, यानी गाए जाने वाले पदों की विशाल संग्रह है। यहाँ प्रस्तुत दोनों पद वात्सल्य भाव के हैं और सुरसागर से लिए गए हैं। प्रथम पद में कवि ने दुलार और कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर में या सुबह होने पर माँ यशोदा के द्वारा सुबह होने की सूचना देते हुए जगाए जाने वाले दृश्य का एक मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है। द्वितीय पद में कवि ने पिता नंद की गोद में बैठकर भोजन करते हुए बालक कृष्ण की लीलाओं का अद्भुत वर्णन किया है, जो कि स्वतः ही मन को मोहने वाले हैं और हर घर में इस प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं, जो कि लोगों को मुग्ध कर देते हैं। ऐसी बाल लीलाओं का वर्णन इन्होंने इन दोनों पदों में किया है, जो कि पाठकों को बहुत ही पसंद आते हैं और वो बार बार इनके इन पदों को सुनना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सूरदास के यह प्रसिद्ध पद, जिसमें हम लोग बारी बारी से दोनों पदों का आनंद लेंगे। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भये भृंग लता भूले, तमचूर खग रोर सुनहु बोलत बनराई, रामभित गो खरिकानी
में बछरा हित धाई, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्रात उठो अंबुज कर धारी। इस पद में आने वाले प्रमुख शब्दों के अर्थ पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर इसका अर्थ समझेंगे विस्तार से। ब्रजराज कुंवर मतलब ब्रज के राजकुमार, कमल मतलब कमल का फूल, कमल कुसुम मतलब कमल का फूल, कुमुद बृंद मतलब कुमुद का फूल, जो कि कमल का ही एक रूप होता है, कमल फूल का ही एक दूसरा रूप होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। कमल का फूल सूर्य की रोशनी पड़ने पर खिलता है, जबकि कुमुद फूल चांद की रोशनी में खिलता है। तो कुमुद बृंद मतलब कुमुद फूल का समूह, भृंग मतलब भ्रमर, तमचूर मतलब मुर्गा, रोर मतलब कोलाहल या शोर, बनराई मतलब पेड़ पौधे, खरिकनी मतलब बाड़ों में जहां पर गाय बछड़ों और बैलों को बांधकर रखा जाता है, विधु मतलब चंद्रमा, अंबुज मतलब कमल। तो इस पद में, प्रथम पद में कवि कहते हैं कि माँ यशोदा बालक कृष्ण को, सोते हुए बालक कृष्ण को उठा रही है और कह रही है, जागिए ब्रजराज कुंवर, अर्थात ब्रज के राजकुमार कान्हा कृष्ण, बाल कृष्ण, अब जागिए, क्योंकि कमल के फूल खिल चुके हैं और कुमुद बृंद यानी कुमुद फूल के समूह जो हैं, जो कि चांद की रोशनी में रात में खिलते हैं, वो सूरज की रोशनी पड़ने के कारण अब संकुचित हो गए हैं, सिकुड़ गए हैं। भृंग लता फूले अर्थात फूलों पर भंवरे मंडराने लगे हैं, तमचूर यानी मुर्गा भी वांग देने लगा है, चारों ओर मुर्गे की वांग सुनाई दे रही है, जो कि वनों में पेड़ पौधों पर बोल रहे हैं, मुर्गा जो कि सुबह सुबह वांग देता है पेड़ पौधों के बीच में, तो कह रही है माँ यशोदा बालकृष्ण से कि देखो अब मुर्गा भी वांग देने लगा है। और रामभित गौ खरिकनी में, अर्थात गाय जो है वो अपने गौशाला में रंभाने लगी है और अपने बछड़े के पास जाने के लिए वो बेचैन है। विधु मलिन रवि प्रकाश, और जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ी वैसे ही चांद का जो प्रकाश है वो मलिन हो गया है, यानी चांद भी अब मलिन होकर आकाश में छिपने लगा है। और नर नारी यानी स्त्री पुरुष सभी गाने लगे हैं, गीत गाने लगे हैं। और इस प्रकार सूरदास कहते हैं कि हे बाल कृष्ण, हे कन्हैया, हे श्याम, उठो सुबह हो गई है, हे कमल धारण करने वाले, हाथों में कमल धारण करने वाले श्याम कृष्ण कन्हैया, बाल गोपाल, अब उठ जाओ, जाग जाओ, सुबह हो गई है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं, सभी पेड़ पौधों पर पक्षी चहचहाने लगे हैं, कमल के फूल खिल चुके हैं और कुमुद समूह सूरज की रोशनी पड़ते ही सिकुड़ गए हैं, संकुचित हो गए हैं, बंद हो गए हैं, और भौड़े जो है फूलों पर मंडराने लगे हैं, मुर्गा भी वांग देने लगा है जंगलों में, और गाय भी अपने बारे में यानी अपने गौशाले में अपने बछड़े के पास जाने के लिए रंभाने लगी है। तो इस प्रकार हे श्याम, हे कन्हैया, हे ब्रज के राजकुमार, आप जग जाओ क्योंकि सुबह हो चुकी है, हे कमल फूल धारण करने वाले श्याम, अब उठो, जागो, सुबह हो गई है। इस प्रकार इस पद में सूरदास जी ने बाल कृष्ण के सोते हुए सुंदर रूप का वर्णन किया है
और माँ यशोदा के द्वारा बड़े ही दुलार प्यार और वात्सल्य भरे शब्दों के द्वारा अपने बाल गोपाल को जगाए जाने के दृश्य का बहुत ही सुंदर और सजीव चित्रण किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पाठ में दूसरे पद के साथ। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक्टिव कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।